हमारे बड़ों ने हमको बताया कि तुम जिंदा हो, इसका सबूत है कि तुम्हारी आलोचना हो रही है। हमने कल एक ट्वीट किया, ऐसे ही मैंने, ज्यादा तो नहीं, समय नहीं होता इतना, तो फिर उसमें देखा कि रिएक्शन क्या रहे। अरे बोलो बाबा रामदेव तो अभी तक जिंदा है। बोले हमने तो सुना तो मर गया। बताओ, अभी 3 दिन पहले ही चल रहा था, बाबा रामदेव के घुटनों का ऑपरेशन चल रहा है जर्मनी में और दूसरों को स्वदेशी का पाठ पढ़ा रहा है। वाह बाबा तेरा स्वदेशी का दर्शन। कुछ कहते मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, कुछ कह रहे मेरा लिवर का ऑपरेशन हो रहा है, कुछ तो कहते बाबा तू जिंदा ही है अभी, हमको तो पता ही नहीं था। अब बताओ इन अंधों को कौन समझाए। अभी मैं लाइव कार्यक्रम दे रहा हूं आस्था पर, और उसी पर देख रहे हैं, लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं फेसबुक ट्विटर पर, उसी भी कह रहे बाबा रामदेव तो अभी जिंदा। ऐसे इन मूर्खों के, महामूर्खों को, अब इनको कहते बोलो स्वामी जी आप तो योगी हो, सन्यासी हो, सबके प्रति दया दृष्टि रखते हो, इसलिए तो इन पर दया आती है, भगवान इनका रीमैन्युफैक्चरिंग करो, इनकी इनकी मति ठीक हो जाए, इनकी दृष्टि ठीक हो जाए। इसलिए कहा हमारे यहां परित्राणाय साधो नाम, साधुओं की रक्षा करो, जो धर्म के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चल रहे उनकी रक्षा करो, परित्राणाय साधु, विनाशाय च दुष्टजं तु, अधर्म के मार्ग पर चल रहे उनका विनाश करो। यही जीवन का योग का मूल सिद्धांत था, अशुभ का क्षय, शुभ का उदय।